नमस्कार, पत्रिका टीवी के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के इस कार्यक्रम में हम सेहत से जुड़े सवाल जवाब लेते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष गुप्ता जी, MCH यूरोलॉजी हैं और फिलहाल आप जयपुर के सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल के यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग में प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर। नमस्कार जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपको करीब 21 वर्षों का इन्हें अनुभव है किडनी ट्रांसप्लांट और यूरोलॉजिकल कैंसर क्षेत्र में आप विशेष नॉलेज रखते हैं। साथ ही आपके 35 साल से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठकों के और दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। सवाल सबसे पहला पूछते हैं। पहला सवाल आया है जिन्होंने कहा है कि मेरी उम्र 68 वर्ष है, मैं गंभीर किडनी रोग CKD से ग्रसित हूं, मेरा क्रिएटिनिन 1.8 है और ब्लड प्रेशर 150/90 है। मैंने कई बार नेफ्रो फिजिशियंस की सलाह ली है, उन्होंने मुझे BP नियंत्रित रखने की सलाह दी है, लेकिन CKD के उपचार के बारे में नहीं बताया गया है। मुझे इस रोग का पता 30 साल पहले चला, ये बीमारी मेरी माँ को भी थी, कृपया उपचार बताएं, साथ ही मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी बताएं। ये हमारे पाठक है रमेश चंद्र केवड़िया, उनका सवाल आया है डॉक्टर साहब। हाँ, जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि आपकी एज 68 साल है और CKD की जो डेफिनेशन है उसमें आपका क्रिएटिनिन 1.8 है, तो CKD की डेफिनेशन में आप स्टेज 1 के अंदर आते हैं, या माने कि नॉर्मल जो रीनल फंक्शन है वो 1.1 टू 1.5 से थोड़ा सा ऊपर होके और आप स्टेज 1 टाइप की CKD की कैटेगरी में फॉल होते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हमें ना तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है ना किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, और सिंपल खानपान या लाइफस्टाइल चेंजेस करने से, या अपन जैसे डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने से, या ब्लड प्रेशर जो है किसी के वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने से, उसका उपचार तो नहीं लेकिन उसकी उसकी जो बढ़ाव को रोक सकते हैं, मतलब वो बढ़े ना, इसके लिए अपन नियमित रूप से लाइफस्टाइल चेंजेस करने से ही अपन इसको रोक सकते हैं। और जो CKD की 1.8 जो क्रिएटिनिन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्तर का नहीं है, आप नियमित रूप से अपना CBC शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, एक अल्ट्रासाउंड करा लें आप, सोनोग्राफी किडनी यूरेटर ब्लैडर की, इसके अंदर कोई और पथरी वथरी तो नहीं बन रही है, वो आपके प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, हैं, और यूरिन में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ का अगर अपन को पता लग जाए तो अपन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा जो नेफ्रोलॉजिस्ट मित्र हैं आपके हमारे जो हैं वो अपन को जो मेडिकेशन देते हैं उसके अंदर अपन सावधानीपूर्वक उन मेडिसिन को लीजिए, और जो डाइट चार्ट आपको दिया गया होगा उसका स्ट्रिक्टली पालन करें और लाइफस्टाइल चेंजेस करते रहें, तो इस क्रिएटिनिन से भी आप काफ़ी अच्छी स्वस्थ जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर भी। जी, आपने लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जिक्र किया, किस तरह की आजकल वर्तमान स्थितियां देख रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें महसूस होती हैं? देखिए, सेडेंट्री लाइफ जिसको कि अपन कहते हैं कि टेबल कुर्सी पर बैठ के काम करना या आलस करना, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, आप अपना वेट नियमित रूप से चेक रखें, हल्की एक्सरसाइज या मीडियम एक्सरसाइज या वॉकिंग इस तरह से करें, खाने का जो डाइट चार्ट है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इसके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर इसका सेवन ना करके, और मतलब अपन डायबिटीज़ से बच सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, खान पान का विशेष ध्यान रखें, और इसके लिए स्पेसिफिक डाइट चार्ट्स होते हैं जो नेफ्रोलॉजिस्ट और हमारे डायबिटीज़ वाले जो डॉक्टर मित्र हैं वो अपन को जैसे OPD विजिट करते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनका पालन करेंगे तो आपका बहुत अच्छा इसके अंदर दिनचर्या सेट, आप यू कैन लीव ए वेरी हेल्दी लाइफ। जी, तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। रुख करते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, पाठक ने और दर्शक ने अपने सवाल में लिखा है कि मेरी उम्र 50 साल है, जब मैं 23 वर्ष का था तब से वर्ष 2012 तक 7 बार मुझे किडनी, ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट
में पथरी जैसी समस्याएं हो रही थी, लेकिन वे दवाइयों से नियंत्रित होती रहीं और होती रहीं, और वर्ष 2012 के बाद से ये समस्याएं नहीं हुई। अब मैं खूब पानी पीता हूं और लेकिन खाली पेट या भोजन पचने के बाद पानी पी लेता हूं तो 4-5 बार 10-10 मिनट में पेशाब आता है। मेरा बीपी और शुगर और वजन भी ठीक है, क्या मेरी किडनी कमज़ोर है? ये सवाल पूछा है लेखराज सैनी है। लेखराज जी, अब आपकी पथरियाँ नहीं बन रही, ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छी बात है, पथरियाँ नहीं बन रही। इसके लिए आपने कुछ अपने सावधानियाँ रखी होंगी, जैसे आप कहते हैं कि खूब पानी का सेवन किया आपने और नियमित रूप से आप शायद जांच कराते भी होंगे। इसके अंदर अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनोग्राफी, वो आप जैसे अगर आपकी रेगुलर पथरियाँ बन रही हैं तो साल में एक बार आप नियमित सोनोग्राफी जरूर कराइए। उसमें छोटी जो पथरियाँ होती हैं 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर, इन पथरियों के बारे में हमें पता लगता है। और इतनी छोटी पथरियाँ जो हैं इसके लिए कोई बहुत एक्टिव उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस वो साइज़ बढ़ गए कोई 10 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर हो जाए और वो रुकावट पैदा करने लग जाए किसी एक कैलिक्स के अंदर या उसकी नलियों में रुक के और वो रुकावट करे और पेन करे, तब तक ये 2-4-5 मिलीमीटर की पथरियों की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब क्लिनिकली स्पीकिंग, अनलेस ये पथरियाँ अटक जाएँ कहीं जाके और दर्द करे या इन्फेक्शन करे। तो एक तो आप हर साल एक बार सोनोग्राफी कराइए, एक यूरिन की जांच कराएं जिसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और जैसे लिक्विड आप ले रहे हैं अच्छा, लेकिन पहले जब आपकी पथरियाँ बनी होगी उसका रीज़न कोई और रहा होगा। तो पथरियाँ बनने के लिए एक तो मेटाबॉलिक रीजंस, एक खुद का शरीर के अंदर उसका पथरियाँ जो सॉल्ट्स बनते हैं उसको निकालने की मैकेनिज्म जो है वो वीक तो नहीं है, या आपकी किडनी की बनावट कुछ ऐसी है कि उसके अंदर पथरियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसके लिए एनाटॉमिकल इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक तो सोनोग्राफी हो गई, एक सीटी स्कैन या आईवीपी अपन करा लें एक बार, जिससे हमें उसकी जो नलियाँ हैं उसकी बनावट पता लग जाए एनाटॉमिकल, कि भाई गुर्दा के नीचे प्लेस तो नहीं है, या गुर्दे में कोई दो नलियाँ तो नहीं है, या नलियों में कोई रुकावट तो नहीं है, या कुछ पथरियाँ ऐसी जगह बनती होंगी जो नलियाँ हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा है और वहाँ पर उसका ड्रेनेज सही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन की चांसेस बहुत सारे होते हैं। या फिर अपन जैसे राजस्थान अपना शुष्क प्रदेश, ड्राई है, हमारे यहाँ करीब करीब 8 से 10 महीने गर्मी पड़ती है, तो पानी का सेवन हम नहीं कर पाते, तो जो खाने का जो मेटाबॉलिज्म है, उसके सॉल्ट्स जो बनते हैं उसको साफ़ करने के लिए हमें फ्लशिंग मैकेनिज्म ज़रूरत होती है। तो वी नीड एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर लिक्विड इन एनी फॉर्म वो हमें पीना चाहिए टू फ्लश आउट दैट सॉल्ट्स। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अपन जैसे यूरिक एसिड वगैरह के स्टोन बन रहे हैं तो उसका एक बार जांच हो जाए कि भाई किस कारण से पथरियाँ बन रही हैं, तो उसका हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, डाइटरी प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, उस जिस कारण से बन रही है उसको हम रोक सकते हैं कि भाई आप स्टोन्स ना बने। अगला सवाल पूछ रहे हैं, एक दर्शक का सवाल है, मेरे दोनों छोटे भाई जिनकी आयु 62 साल और एक की 50 साल है, दोनों भाइयों को वंशानुगत पॉलीसिस्टिक किडनी की समस्या है और उनकी किडनी एनलार्ज है, क्रिएटिनिन वर्तमान में लगभग 5 के आसपास है। मेरा निवेदन है कि क्या पॉलीसिस्टिक किडनी का कोई स्थायी इलाज है, तो कृपया बताने की कृपा करें। ये डॉक्टर भैरव सिंह गुर्जर जी है मारवाड़ जंक्शन पाली से, जिनका सवाल आया। भैरव सिंह जी, ये वंशानुगत प्रॉब्लम है, इसको एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं या ADPKD हमारे मेडिकल टर्म में, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो वंशानुगत आते हैं, इसका कोई तरीका नहीं रोकने का। और ये इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो अर्ली एज में नहीं होता, अडल्ट स्टेज मतलब 40-45 के बाद इसका मल्टीपल सिस्ट बनने चालू होते हैं गुर्दे के अंदर और बाइलेटरली दोनों में, दोनों गुर्दों के अलावा इनके सिस्ट जो हैं वो लिवर में बनती हैं, पेनक्रियाज में भी बनती हैं और अन्य ऑर्गन्स में भी सिस्ट बनती हैं। सिस्ट का मतलब ये होता है कि पानी की गांठें होती हैं और ये मल्टीपल मतलब सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में होती हैं। तो दोनों गुर्दों में यदि सिस्ट बनती हैं तो जो यूरिन बनाने की छन्नियाँ जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं वो लगातार डैमेज होते हैं इनके साइज से और इनके नंबर ऑफ द सिस्ट से। तो जो नॉर्मल प्रोसेस है यूरिन बनाने का और ब्लड से कचरा साफ करने का जो प्रोसेस है वो हैम्पर होता है क्योंकि वो छन्नियाँ ख़त्म हो जाती हैं, छन्नियाँ जिसको अपन कहते हैं नेफ्रॉन्स, और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ये
प्रोसेस बढ़ता रहता है, तो 40-45 के साल की उम्र होते होते 40, 50, 55, 60 तक ये अपना पूरा मैनिफेस्टेशन चालू कर देते हैं। इसकी वजह से मरीज़ को बीपी की शुगर प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन, सिस्ट के अंदर हेमरेज यानी ब्लीडिंग भी हो सकती है सिस्ट के अंदर, उस किडनी के अंदर पथरियाँ बन सकती हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, साइज़ बढ़ने की समस्या से किडनी का साइज़ बहुत बढ़ जाता है और वो ड्रैगिंग सेंसेशन की तरह होता है। इसके अलावा ये जो किडनीज हैं ये अल्टीमेटली एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की यानी किडनी खत्म होती जाती है, इनका फंक्शन खत्म हो जाता है, साइज़ तो बढ़ जाता है लेकिन इनका जो प्रॉपर काम है वो नहीं हो पाता और ये क्रिएटिनिन धीरे धीरे इसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी स्टेज में जब क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो हमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी या तो अपन मेडिकली उसकी सफाई करें यानी जिसको कहते हैं डायलिसिस, तो डायलिसिस से मरीज रहता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की डेफिनेशन जैसी पेशेंट की आती है तो डायलिसिस होती है या फिर उसको किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट इज़ ए वेरी गुड आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो अगर उसके ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उस बीमारी से उसको मुक्ति मिल सकती है और वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान। यदि किडनी बहुत बड़ी है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ तो उसको पहले स्टेज के अंदर निकाला जाता है और नई किडनी जो नॉर्मल डोनर की होती है वो उसमें लगाई जाती है। तो एक आंसर तो ये है। दूसरा आंसर ये है कि इसके अंदर अपन अगर नहीं ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, उसकी जनरल कंडीशन ख़राब है मरीज़ की या फिर वो एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो हम उसको फिर डायलिसिस या जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट मित्र हैं वो इसके बारे में आज मैनेजमेंट करते हैं और इसको अपन डायलिसिस से भी काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो साथ में जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसका ट्रीटमेंट या हेमरेज हो गया अंदर उसका मैनेजमेंट या और भी इससे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसका कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट चलता है। स्थाई आंसर इसका किडनी ट्रांसप्लांट है जी, किडनी ट्रांसप्लांट है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि वंशानुगत इस तरह की समस्या होती है और ये लेटर स्टेज में पता चलती है, जब एडल्ट हो जाते हैं तब पता चलती है, पानी की गांठें बन जाती हैं जो एडल्ट स्टेज में पता चलती हैं। और आपने जिक्र किया किडनी का आकार बढ़ जाता है, इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है। एक दर्शक है जिन्होंने सवाल में पूछा है कि मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट में आया है कि किडनी का आकार सामान्य है लेकिन कुछ अन्य समस्या है, फिलहाल दवाइयां ले रहा हूं, क्या ये दवाइयों से ठीक हो जाएगी या लगातार दवाइयां लेती रहनी पड़ेंगी। खूबचंद जैन जी हैं, 75 वर्षीय हैं, जिन्होंने ये सवाल पूछा। खूबचंद जी, जैसे सोनोग्राफी के अंदर यदि किडनी का साइज नॉर्मल बताया है और कोई इसके अंदर पथरी नहीं है, उसकी जो आकार और शेप साइज और लोकेशन अगर सोनोग्राफी में ठीक है और यदि क्रिएटिनिन ठीक है तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है आपको। अगर उसमें साइज़ बड़ा या छोटा हो रहा है किडनी का, साथ में सूजन हो रही है उसके अंदर या कोई पथरी पड़ी हुई है या उसकी नलियां ख़राब हैं तो अपन को कुछ सोचना चाहिए या आगे के कुछ टेस्ट कराना चाहिए। अगर ये आपका क्रिएटिनिन ठीक है, कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है और कोई सूजन नहीं है, दैट मीन्स वो आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जी अच्छी बात है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि डॉक्टर मनीष गुप्ता जी ने बताया। रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। एक और सवाल कुछ इसी तरह का आया है, सवाल है, दर्शक ने अपनी हिस्ट्री बताई है, कहा है कि मैं फरवरी 2022 से किडनी का पेशेंट हूँ, मेरा क्रिएटिनिन लेवल 10 है, मैंने एलोपैथिक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक इलाज लेकर देख लिया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला कि फिस्टूला बना लो लेकिन मैं डायलिसिस करवाना नहीं चाहता, शरीर में कोई सूजन नहीं है, यूरिन आउटपुट भी ठीक है, कमजोरी, थकान, सांस फूलना, मितली, उल्टी और वजन घटने की समस्या है, पिछले 5 महीने में 20 किलो वजन कम हो गया है जो अब 52 किलोग्राम है, परहेज भी कर रहा हूँ, बताइए आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। सवाल पूछा है राजकुमार ठाकुर जी ने, 54 वर्ष इनकी उम्र है, कोटा से। राजकुमार जी, क्रिएटिनिन 10 तो काफ़ी गंभीर मामला है और इसमें आपके अगर नेफ्रोलॉजिस्ट मित्र अगर बता रहे हैं कि फिस्टुला बनाना है तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर 10 क्रिएटिनिन है तो आपकी यदि इलेक्ट्रोलाइट्स भी इम्बैलेंस है यानी पोटेशियम लेवल भी बढ़ा हुआ है और आपका वज़न कम हो गया है, आपकी ये वॉमिटिंग सेंसेशन, मितली और भूख कम लगना और आप जनरलाइज वीकनेस है, तो ये सारे साइन है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, यानी किडनी का जो फंक्शन है वो ख़राब हो चुका है और जो उस फंक्शन की वजह से अपनी जो बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलता है वो डिरेंज हो चुका है। तो आप जो भी खाना खाएंगे यदि भूख कम लगेगी और जो जो फंक्शन किडनीज के हैं पाचन, इसमें खाने को खाने से रिलेटेड वॉमिटिंग ना हो, क्योंकि जहर की मात्रा यानी क्रिएटिनिन की मात्रा शरीर में बढ़ी हुई है, शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने से ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो इसका उपचार यही है
या आप या तो डायलिसिस कराइए, अगर डायलिसिस में आप सेटल रहे तो ठीक है, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट भी इसका स्थायी उपचार है, तो आप इसके लिए डिले ना करें और बिल्कुल आप जाके और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से बात करके और ज़रूर आपका इलाज कराए बिफोर इट इज़ टू लेट। जी तो उम्मीद करते हैं राजकुमार जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द डायलिसिस ज़रूर कराएं, अपने एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाएं और समस्या का निदान करें। चलिए रुक करते हैं अगले सवाल का। एक और सवाल हमारा हमारे पास आया है इससे जुड़ा हुआ। सवाल है, मुझे पेट की तकलीफ है, किडनी की जांच में इसका आकार बढ़ा हुआ सामने आया है, मुझे खान पान में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही कोई व्यायाम करने से आराम मिलता हो तो ये भी बता सकते हैं। सवाल पूछा है सुमेरपुर से 64 वर्षीय गोविंद दास वैष्णव जी ने। सोनोग्राफी में यदि इंसिडेंटली अगर किडनी का साइज बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसका फर्दर इवेल्यूशन होना चाहिए, यानी या तो किडनी की जो कलेक्टिंग सिस्टम है उसके अंदर सूजन है जिसको पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, या यूरेटर में कोई स्टोन फंसा हुआ हो या यूरेटर में कोई रुकावट हो जिसकी वजह से किडनी में सूजन आ रही है। ये तो है यूरोलॉजिकल कॉजेस किडनी के साइज बढ़ने के, कोई कैंसर की ग्रोथ तो नहीं है, ये भी अपन को देखना चाहिए। या जैसे अपन ने पिछले उसमें बात की है कि एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ADPKD वाला मामला तो नहीं है कि उसके अंदर बड़े साइज की किडनी हो जाती है, या आपके मल्टीपल सिस्ट वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, तो साइज कितना बड़ा है। जैसे नॉर्मल किडनी, इंडियन किडनी जो है उसकी लेंथ जो होती है अराउंड 10 से 11 सेंटीमीटर की होती है और करीब 6 से 7 सेंटीमीटर का उसका जो है विड्थ चौड़ाई होती है, तो उस जो पैरामीटर है उससे कितना ज़्यादा है, किडनी का साइज 17-18 सेंटीमीटर हो गया या 20 सेंटीमीटर हो गया है, कैसा है ये हमें नहीं पता लग रहा। तो आप अगर ये चीज़ पता लग रही है तो आप इसे फर्दर इवेल्यूएशन कराइए, जैसे कि CT स्कैन हो गए, अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल ठीक है तो कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT स्कैन जरूर कराइए, उससे हमें आगे का किडनी के बारे में पता लगेगा कि किस तरह की सूजन है। और इससे अगर क्रिएटिनिन ठीक है तो खान पान से कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है, भूख भी ठीक लगेगी, आप खाइए आराम से, नियमित एक्सरसाइज करिए। यदि क्रिएटिनिन नॉर्मल ठीक है और आपके सारे CT स्कैन के पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल हम ले रहे हैं, एक दर्शक ने सवाल पूछा है, दोनों किडनी फेल होने पर क्या समाधान उपलब्ध है, किस तरह का ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, ये सवाल पूछा है दिल्ली से 48 वर्षीय नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, दोनों किडनी फेल होने का मतलब है एंड स्टेज रीनल डिजीज, तो एंड स्टेज रीनल डिजीज आने से पहले उसकी स्टेजेस है क्रॉनिक किडनी डिजीज से रिलेटेड, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज की स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होते होते जो ग्लोमेरुलर इसकी जो फिल्ट्रेशन की जो किडनी की फिल्ट्रेशन की जो रेट है यदि वो कम हो गया 20 से नीचे आ जाए उस स्टेज को एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, जिससे कि वापस लौटना नामुमकिन है, यानी अब वो किडनी जो है, अब वो पर्सन जो है वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डिपेंडेंट हो चुका है, यानी उसको वो चीज़ रिप्लेस करनी पड़ेगी जो गुर्दे खराब होने के बाद आर्टिफिशियली हम उसको या तो डायलिसिस से वो उसका जो फंक्शन बहाल कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर जो फाइनल आंसर है आज की तारीख में रीनल ट्रांसप्लांट जो है सबसे बढ़िया और सबसे एक्सेप्टेड वे ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। अगर गुर्दे की उपलब्धता नहीं हो उस दौरान तक आप डायलिसिस पे चल सकते हैं और डायलिसिस का जो है की वजह से आप अपनी सुचारू रूप से लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही किडनी का आपके जो है ट्रांसप्लांट सेंटर से आपकी यदि वो मैचिंग अगर ठीक होती है नियर रिलेटिव के साथ तो आप उसमें ज़रूर से ट्रांसप्लांट में जाएं, वो ही इसका स्थायी और अच्छा इलाज है। जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता तब तक आप डायलिसिस पे बने रहें। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जब दो किडनियां फेल हो जाती हैं तो ये गंभीरतम स्थितियों में से आती है, लेकिन उसके बाद भी इसका इलाज, जैसा कि डॉक्टर मनीष गुप्ता जी ने बताया, अभी उसके बाद भी इलाज है संभव। रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। एक दर्शक है, महिला दर्शक है, 52 वर्षीय हैं, जो सवाल करती हैं, मुझे पेशाब में खून आने की समस्या है, कभी कभी इसमें रुकावट भी आती है, इलाज बता सकते हैं? पेशाब में खून आने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, यानी किडनी, यूरेटर यानी नली और ब्लैडर, इन तीनों एरिया में से कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टोन बन गया कोई, या ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, या किडनी में कोई ट्यूमर हो गया, या यूरेटर में ट्यूमर हो गया, या ब्लैडर में ट्यूमर हो गया, या चोट लग गई, या किडनी में चोट लग गई, या ब्लैडर में चोट लग गई, मतलब इस तरह से बहुत सारे डिविजन्स हैं,
की वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा नेफ्रोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं जिसके अंदर से किडनी के अंदर कोई ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गई या नेफ्राइटिस हो गई या कोई ऐसे चेंजेस चल रहे हों जो आपको हमें पता नहीं, जो पथरी से रिलेटेड नहीं है, इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो नेफ्रोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें यूरिन में खून आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। इवैल्यूएशन में अपन ब्लड की जांच, यूरिन की जांच, सोनोग्राफी, ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन या रंगीन एक्सरेज जिसको आईवीपीज कहते हैं, ये करा के हम इस रीज़न पता लगा सकते हैं, साइट ऑफ या कॉज ऑफ ब्लीडिंग पता लगा सकते हैं। तो कॉमनली जैसे आप सबसे कॉमन अगर माने तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द कॉमनेस्ट रीजन फॉर ब्लड इन यूरिन। तो अपन सिंपल एक यूरिन टेस्ट कराएं, अगर उसमें अंदर आरबीसी आ रहे हैं और यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है और सोनोग्राफी में कोई और प्रॉब्लम नहीं आ रही, देन इट इज़ सिंपल केस कि आप एंटीबायोटिक लीजिए, वो आपका ठीक हो जाएगा। यदि पेशेंट को, महिला को, पुरुष को अगर डायबिटीज़ है तो वो इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन है, तो वो टेस्ट करा के देख लीजिए। अगर वो है डायबिटीज़ आ रही है तो डायबिटीज़ को करेक्ट कराएं, तो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। यदि कोई स्टोन वगैरह आ रहा है, स्टोन से अगर इन्फेक्शन या ब्लीडिंग हो रही है तो उसका उपचार कराएं और उसको ठीक कराएं। पुरुषों में जैसे प्रोस्टेट ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं, तो वो प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है तो कंजेशन, उससे भी ब्लीडिंग होती है। तो मतलब कहने का मतलब कि यदि अपन इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें ज़रूर से उसका कारण पता लगेगा, कारण पता लगेगा तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसका। जी, तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा और बहुत आसान लैंग्वेज में डॉक्टर साहब ने इस समस्या का निदान बताया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं अगले सवाल की ओर। एक और महिला है जिन्होंने ये सवाल पूछा है। किडनी की जगह अचानक से दर्द उठने लगता है जो थोड़ी देर बाद दूर हो जाता है। जांच भी करवा चुकी हूं लेकिन समस्या का पता नहीं चल पा रहा है। मन में डर है कि कहीं ये किडनी रोग ना हो। कृपया क्या कुछ स्थितियां हैं इसको क्लियर करें और बताएं क्या इसका इलाज है। इनके क्वेश्चन से ये पता नहीं लग रहा कि किडनी की जगह कौन सी बता रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एनाटॉमिकली गुर्दा कहाँ प्लेस्ड होता है इंसान के, कमर के नीचे का हिस्सा, मतलब अपर पोर्शन ऑफ द कमर जो होती है जिसको हम फ्लैंक कहते हैं, यानी चेस्ट से जस्ट नीचे वाला पोर्शन पीछे की तरफ, यहाँ पर किडनीज प्लेस्ड होती हैं। तो किडनी से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका पेन पीछे फ्लैंक में होता है, मतलब आगे पेट में नहीं होता, पीछे की तरफ होता है। वो फ्लैंक का पेन जो है वो आगे ट्रांसमिट भी हो सकता है, इसको रेफर्ड पेन कहते हैं। वो नीचे एब्डोमेन की तरफ आता है और फ्लैंक और ग्रोइन की तरफ आता है। तो ये तो है किडनी की जगह और उसका जो कॉज ऑफ पेन और उसका ट्रांसमिशन यानी रेडिएट कैसे करता है। तो पेन होने के लिए अगर पेन है तो उसका अपन को इन्वेस्टिगेट ये करा के देखना चाहिए। सबसे कॉमन तो इसका इन्वेस्टिगेटरी टूल है वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है। सोनोग्राफी इज़ वेरी इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। तो आप देश के किसी भी कोने में हो, गाँव में, शहर में, सब जगह अवेलेबल है आजकल। तो सोनोग्राफी करा के आप पता कराएं कि कारण क्या है पेन का। सोनोग्राफी में कोई डाउट आता है तो आप उससे बेटर वाले टेस्ट आ गए और इन्वेस्टिगेट कराएं, जैसे आजकल सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी हो गया है। यदि अपन को कोई डाउट होता है तो किडनी की संरचना कैसी है, उसके अंदर जो कलेक्टिंग सिस्टम वो कैसा है, किडनी के बाहर कैसा है, अंदर कैसा है, उसके चारों तरफ का एरिया कैसा है, कितनी सूजन है, कितनी नहीं है, नॉर्मली लोकेटेड है या नहीं है, डबल है कि सिंगल है, ये बहुत सारी जानकारियाँ हमें इन्वेस्टिगेटरी टूल्स से मिलती है। और उसके बाद जैसे ही कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो हम उसका इलाज आराम से कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से और आसान शब्दों में इस सवाल का जवाब भी दिया। उम्मीद करते हैं इस सवाल का जवाब मिल गया होगा हमारे दर्शक को। और सवाल कई सारे हैं, एक चलते चलते एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि जिस तरह से लाइफस्टाइल बदल रही है, अब ये तो तमाम वो लोग थे जिनको इस तरह की समस्याएँ हो रही हैं, लेकिन किडनी की समस्या किसी को ना हो इसके लिए किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, खान पान में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, लाइफस्टाइल किस तरह की रखनी चाहिए, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को क्लियर। देखिए, इन शॉर्ट, किडनी की समस्या ना हो इसके लिए सबसे पहले अपने को फिजिकली फिट रहना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूड्स लेने चाहिए। यदि किसी की फैमिली में फैमिलियल हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको आप जल्दी एड्रेस कर लें, ब्लड प्रेशर ना बढ़ने दें और रेगुलर आप नियमित फिजिशियन से मिलके अपना, अगर बढ़ रहा है या उसको नहीं, अच्छा ब्लड प्रेशर की दवाई लोग स्टार्ट करते हैं फिर बंद कर देते हैं, ये ना करें आप। यदि फैमिलियर हाइपरटेंशन है तो उस बीपी की, क्योंकि ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो वो किडनी को
नुकसान पहुंचाता है और अल्टीमेटली ये दीज पीपल एंड अप इनटू क्रॉनिक किडनी डिजीज़, एक चीज़। दूसरा ये कि अगर फैमिली में डायबिटीज़ है किसी को, तो वो फैमिली तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ का स्टेटस जानने के लिए अपने को नियमित रूप से जाँच कराते रहें। यदि अगर माइनर इनिशियल स्टेज डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो उसका भी इलाज जरूर लें और रेगुलर चेकअप में रखें। तो ये दो प्रॉब्लम चीज। तीसरा चीज़ है कि यार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी को है, महिला या पुरुष को, तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का नियमित जांच कराएं। अगर रिकरेंट हो रहा है तो उसके एंटीबायोटिक्स लेके उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें। और खान पीन में अब जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट ना लें उसको, जैसे प्रोटीनिशियल डाइट भी है वो भी अच्छी होती है, डाइटरी चेंजेस। और मैंने आपसे जैसे कहा कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ को ध्यान रखें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, सेडेंट्री लाइफ ना जिएं और खुश रहें। जी, बहुत ज़रूरी है ये आज के वक्त में खुश रहें, जैसा कि आपने बताया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष गुप्ता जी, आप हमारे साथ टीवी स्टूडियो में बने रहे और लगातार जितने सवाल आ रहे थे उसका सबका जवाब दिया। और भी कई सारे सवाल रहे लेकिन अभी वक्त विराम देने का है इस चर्चा को और इस सवाल जवाब के सिलसिले को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहे, सवालों का जवाब दिया। थैंक यू। तो चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।